हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आया हूँ यहाँ दिसापुर गांव में। जो दिसापुर गांव में यहाँ मेरा छोटे पापा रहता है, यानी कि मेरा पिताजी का छोटा भाई। तो उसका घर में आया है, तो मैं यहाँ का व्यू देखाएगा, यहाँ का सीनारो। तो मेरा पीछे में ये उसका घर, छोटा सा प्यारा सा घर है। और यहाँ पे देखो, ढेर सारा गाड़ी है हम लोग का। ये उसका वाइफ का, ये उसका बहन का, मेरा बाइक और तो एक गाड़ी है। तो गाइस, यहाँ आना तो ऐसा आना हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा छोटा पिताजी जो है उसने इन्वाइट किया है मुझे खाने पे। तो यहाँ पे बकरी जो है काटने वाला है, बकरी काट के उसका बिरयानी बनाने वाला है। तो अभी मैं दिखाएगा आप लोग को। उसका पंप कर रहा है उसको कस्टमर। ये देखो, अभी ये बकरी का बाल निकल रहा है, उसका सफाई कर रहा है। तो उसके बाद इसको काट कर मैरिनेट करने वाला है। मैरिनेट करने के बाद बिरयानी बनाएगा। और यहाँ का नज़ारा ऐसा है, कुछ ऐसा। तो गाइस, ये देखो, अभी यहाँ पे बर्न कर रहे हैं उसका छोटा छोटा हेयर, जो रिमेनिंग अच्छे से बर्न हो रहा है। गाइस, ये देखो, ये बर्नर में हाय कर रहा। ये देखो, पूरा ब्रूस ली जैसा हो गया उसका चेस्ट जो है। ये बकरी को बर्न कर रहे हैं अभी। एक बार सिक्स एक दिखा लो। तो बकरी का सर उसको भी जलाने वाला है यहाँ पे बर्नर में। तो ये जो है उसको बहुत टाइम लगेगा उसको जलाने के लिए, तो अच्छे से जलाना पड़ेगा। रेडी हो गया है जलाने के लिए। हाय। और यहाँ पे हम लोग का फिटनेस क्वीन झाड़ू मार रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, तो ये देखो यहाँ पे बच्चा लग जाए। अनवी, हेलो। ये देखो, बकरी का पैर काट रहा है अभी, तो इसको जलाएंगे अलग से। तो ये बॉडी जो है इसको जला कर हो गया है अभी। तो अभी इसको थोड़ा धो के पीस काटेगा, बड़ा बड़ा पीस करके इसको फाड़ने वाला है धीरे धीरे से। तो ये गाइस, ये देखो, अभी यहाँ में हम लोग बिरयानी बनाएगा, मटन बिरयानी। ये देखो, आग भी बनाया है कीर्ति ने। इस तरह देखो, हाय करना। ये देखो, तो गाइस, ये देखो, अभी यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। तो इसको मैरिनेट करके, ठीक से मैरिनेट करेगा, उसके बाद पकाएगा। देखो, अभी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। देखो, मैरिनेट कर रहे हैं, मसाला सब डाल दिया यहाँ पे। अभी मैं इसमें ऑनियन डालने वाला है, जो चॉप करके रखा हुआ है इस तरह से। और इसमें तेल के अंदर डालेंगे और फ्राई करेंगे, और गोल्डन कलर होते टाइम तक इसको फ्राई करना है। जब तक ये गोल्डन कलर नहीं होगा, तब तक इसको फ्राई करते रहना है। ये स्पून बहुत काम आ रहा है मेरे लिए अभी। ये इसका कमर का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी, खड़े खड़े हिला सकते हैं। क्या हिला सकते हैं, देख सकते हैं। अभी थोड़ा गोल्डन कलर आने वाला है, तब तक इसको हम स्टीर करते रहेंगे, फिर गोल्डन कलर आ जाए। इसके बाद हम इसको निकालेंगे। ये थोड़ी देर के बाद हम दिखाएंगे आपको किस प्रकार से इसको निकालना है बाहर। अभी हम यहाँ से इसको निकालेंगे। ताकि गोल्डन कलर आ चुका है इस पर। वो डीप फ्राई कर,
जो बटला को मां मां को तो कैंसिल हो दे ये ये टेस्ट देने के लिए लॉन्ग इलायची आप देख सकते हैं तो गाइस अभी ये मटन पक चुका है अभी इसमें थोड़ा घी अप्लाई करेंगे ऊपर से ताकि इसका फ्लेवर और भी अच्छा जाए और इसके बाद ये कटा हुआ कैरेट बीन्स हम इसके ऊपर थोड़ा अप्लाई करेंगे अब इसके ऊपर राइस डालेंगे चलो तो अभी राइस चला गया अंदर में तो इसे अभी हाफ एन आवर जैसा रखेगा राइस को अंदर में डाल के बिरयानी राइस बस अभी इसके ऊपर ये कटा हुआ बीन्स और कैरेट दोबारा डालेंगे ये कटा वाला धनिया अभी ये ग्रीन लीव्स के ऊपर फिर दोबारा अप्लाई करेंगे ऐसा ताकि फ्लेवर और भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बने अभी फ्लेवर को और भी स्ट्रॉन्ग और मज़ेदार बनाने के लिए ये लास्ट घी ये शुद्ध देसी घी ना देसी घी ये है हम जो डीप फ्राई करके ओनियन रखा था इसको अभी लास्ट में अप्लाई करेंगे इसके ऊपर इस प्रकार से हम अभी सभी इंग्रेडिएंट और सामान इसमें डालने के बाद इसको ढक्कन बंद करके छोटे आग से इसको हीट करते हुए आधा घंटे करीब रखेंगे ताकि और फ्लेवर से भी अच्छे से पके और मीट भी और अच्छे से पक जाए हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस जैसे कि पहले वीडियो में देखा ये है मटन बिरयानी जिसने जिसे मेरा भैया ने बनाया जो कि इंडियन आर्मी में है और वो ऑफ में है तो अभी गांव पे आया हुआ है यहाँ पे दिसापुर गांव में तो हम लोग गांव से आया उसको मीट करने लगे तो अभी यहाँ पे उसने इतना अच्छे से बिरयानी बनाया है ये देखो ना बड़ा बड़ा पीस बिरयानी साथ में यहाँ पे मटन का इनर्ट्स ना भैया ने बनाया है ये भी और कुकुम्बर है टोमेटो है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कैसा खाएगा भैया आज बोलो आज एक साथ खाएंगे ये मटन के साथ बिरयानी बिरयानी एक साथ खाएंगे और कुछ है हमारे साथ ये कुकुम्बर और ये कोरिएंडर लीव्स और स्टिंग बीन्स ये यंचक हाँ ये यंचक जो हम लोग लोकल में बोलते हैं यंचक इसके सीड्स है और रो टोमेटो और ये मटन के लेग पीस जो कि हम लोग अभी खाने वाला है चलो चलिए तो शुरू करते लेट्स स्टार्ट वाह ना बड़ा पीस खा पाएगा क्या देखिए खत्म हो जाएगा अभी चेस चेस देखिए गैस इतना बड़ा पहली बार खा रहा है मटन का लेग पीस बढ़िया से बना लिया यार
सब आना। बहुत सॉफ्ट है। मटन का स्किन ये पे इधर मतलब मैंने सोचा ही नहीं इतना बढ़िया होगा। पहली बार ऐसा बिरयानी लोकल मेड जो कि हाथ खुद का हाथ से बनाया भैया का हाथ से बहुत टेस्ट कर रहा है। मैंने दिमापुर पे ट्राई किया था लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं था। एकदम बड़ा लेग पीस बहुत यम्मी है, बहुत सॉफ्ट था और खाने में बहुत मजा आया। और गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करेगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।